जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि आज हम आपको एक फ्रॉड के बारे में बताने वाले हैं जो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उनके साथ फ्रॉड हुआ है तो वो आपको बताएंगे ताकि आप भी इससे कुछ मालूम हासिल करें और आपको भी इलम हो ताकि आप भी किसी के फ्रॉड में ना आए धोखे में ना आए ये बाढ़ की दुनिया में कुछ गंदे अंडे कुछ ऐसे फ्रॉडिए है मौजूद हैं जो किस फील्ड को गंदा कर रहे हैं तो मैं बड़े दुख के साथ और दर्द दिल के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कुछ लोग जो हैं वो होते हर फील्ड में इस तरह के फ्रॉड ये है मौजूद हैं इस फील्ड में भी मौजूद हैं तो बड़ा दुख होता है जब लोगों को लूटते हैं लोगों का अतबार ख़राब करते हैं तो मैं बताऊंगा भी सही कि ये फ्रॉड किन लोगों के साथ होता है और कौन लोग करते हैं लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा वाक्य उस भाई का बता दूँ थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका ताकि आप लोगों को समझ लग जाए और अगर आपके साथ भी ऐसा होने वाला है या हो गया है तो आप इससे बच सकें अगर किसी के साथ कुछ ऐसा वाक्य हो सका है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता सकता है वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले वेलकम टू तो मीनिजू में खुशाह मई बहन भाई ठीक होंगे मेरे तो दुनिया में कामयाबी नहीं फरमाए और जो मेरे बहन भाई बेहद अल्लाह ताली उनको एक फरमाए तो दोस्तों ईद करीब है जो लोग ईद की खुशियाँ सही तरीके से नहीं मना सकते कोशिश करें कि उनकी कुछ मदद कर दें ताकि वो भी ईद की खुशियाँ प्रॉपर मना सकें दोस्तों बात शुरू करते हैं हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका मुझे कहा कि व्हाट्सएप आया कि जी हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है हमारे एक एक्चुअली एक ग्रुप भी बनाया हुआ मैनी जू के नाम से तो उन्होंने कहा जी हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है तो आप कुछ इस पर एक्शन लें मैंने कहा मैं ऐसे करता हूँ कि मैं एक वीडियो बना देता हूँ देखिए जो हो गया फ्रॉड को पकड़ नहीं सकते हम आपको पता ही सारा कानून का हर चीज़ का पता है कैसे फ्रॉड को पकड़ा जा सकता है दुनिया में हज़ारों लाखों फ्रॉड होते हैं लोगों के साथ मुख्तलि शोबों में होते हैं मुख्तलिफ कामों में मुख्त जॉब में बिजनेस में हर चीज़ में होते हैं तो पकड़ तो नहीं सकते मैं एक वीडियो बना देता हूँ ताकि बाकी लोगों के भी जो है ना उनको फ़ायदा हो सके तो उन्होंने कहा जी वो कोई नए फैंसियर से वीडियो देख के या ग्रुप्स में आके उनको शौक़ पड़ा वो कारोबार करना चाहते थे तो उन्होंने कहा जी मैंने एक के पेड़ का कर प्रचेज करने शुरू किया गोल्डन फेंच के तो मैंने ग्रोपे में पोस्ट डाला पोस्ट डाली तो मुझे रिप्लाई आया कि जी पंता नौ हज़ार में ब्रीडर पे अवेलेबल है और पैंतालीस सौ में पट्ठे यानी के अवेलेबल हैं तो मैंने पहले किसी से ना पचपन सौ में पट्ठे परचेज़ किए थे तो मुझे एक हज़ार रुपये कम लगे तो मैंने स डेली शुरू कर दी उन्होंने कहा ठीक है आपको दे देते हैं वो भाई जिन्होंने सेल करने थे जिस फ्राडी ने सेल करने थे वो आउट ऑफ सिटी का था आई थिंक मुल्तान का था तो ये किसी और सिटी के थे कि आपस में डील हो गई उसने कहा जी ऐसे करें कि हमारे जो भारत का काम है हम पहले भी कार को करवाते रहते हैं बेचते रहते हैं तो आप हमें पेमेंट एडवांस कर दें तो हम आपको कार को करवा देते हैं तो जिस भाई ने लेने थे उसने कहा जी मैं कैसे इतबार कर लूँ आप पे कि ये फ्रॉड भी हो सकता है तो उसने कहा नहीं भाई रमज़ान है मैंने रोज़ा रखा हुआ है कस्में उठाना शुरू कर दी उसने देखिए कितना हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मज़हब का बरए मादरत कि ये हम अच्छा मुसलमानों वाला काम नहीं कर रहे तो उसने कहा जी मैं मुसलमान हूँ रोज़ा रखा हुआ रमज़ान शरीफ है मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ पहले भी कारगो करवाते रहते हैं आपको भी करवा देंगे तो आप हमें पेमेंट सेंड कर दें उस भाई ने अखबार कह लिया कि चलो यार इतना रमज़ान में कौन झूठ बोलता है उसने उनको पेमेंट भेज दी तो उसने कहा कि चालीस मिनट बाद आपको जो है ना हम आपको बताएंगे इसका कारगो करने का तरीका भी आपको बताएँगे कि कब हम आपने आपको भेजने हैं उस भाई ने पेमेंट भेज दी जितनी भी सी उसके बाद जब 40 मिनट बाद उस भाई ने रबता करने की कोशिश की कि मैं पूछो तो सही कि भाई कब भेजेंगे का, का, कारो कराएंगे तो उनका नंबर ब्लॉक कर दिया उन्होंने उन्होंने बड़ी ट्राई की लेकिन किसी भी तरीके से उनका रबा नहीं हो सका और आज तक रबता नहीं हो सका उनके साथ फ्रॉड हो गया अच्छा यहाँ पे अगर किसी को उन फ्रॉडियों के नंबर चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे रबा कर लें मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है मैं आपको वहाँ पे उन फ्रॉडियों के नंबर भी आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप भी उनसे बच सकें वो अक्सर पोस्टर ग्रुप्स में लगाते रहते हैं उस दिन के साथ उनको फ्रॉड हो गया उनका नुकसान हो गया देखिए अब मैं बताता हूँ ये करते कौन लोग हैं होता क्या इनके साथ होता अक्सर उन लोगों के साथ है ताकि माधर के साथ जो थोड़ी सी लालच करते हैं कि यार अगर एक चीज़ फर्ज करें छः हज़ार का पैर मिल रहा है और कोई हमें पैंतालीस सौ में चार हज़ार में दे रहा है तो हम ले लें वो कहते हैं यार इतना सस्ता दे रहा है तो हमें लेना चाहिए ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड होता है ऐसे लोग कभी भी डील ना किया करें भाइयों ये अक्सर फ्रॉड होता है वो कम रेट इसीलिए देते हैं कि आप थोड़ा सा उनकी झांसी में उनकी लालच में आ जाएँ आप अंदर को थोड़ा सा लालच पैदा हो और आप उनको पेमेंट लगवा दें कि चलो यार कम मिल रहे हैं ना खैर कोई मसला नहीं है तो आप सादा लो, लोग होते हैं समझ आपको थोड़ी सी इस डीलर की नहीं होती जो खासतौर पर नए लोग आते हैं आप उनको पेमेंट भेज देते हैं हाफ भेज देते हैं या पूरी भेज देते हैं या थर्टी परसेंट भेज देते हैं जितनी भी डील होती है चाहे उनको एक पाँच सौ भी मिल जाए उनके लिए वही काफ़ी है वो ये नहीं कि पूरी आप पेमेंट लेंगे जितना भी हो वो आपसे डील कर लेते हैं तो वो करते हैं उसके बाद आपका नंबर बंद हो जाता है आपको कुछ भी नहीं मिलता तो दोस्तों बचा करें ऐसे लोगों से कोशिश किया करें कि यार देख के चीज़ लिया करें रब्ता आप कर लिया करें व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें फेसबुक पे रबा कर लें किसी तरीके से भी रब्ता कर लें लेकिन खुद जा जाके डील करें खुद जा जाके पैसे दें और उनसे चीज़ लेके आए ये ना किया करें कि आपको अगर एक चीज़ फ़र्ज करें दैब्र फिर का पेयर चल रहा है जी अठारह सौ का कोई आपको कहता है मैं ब्रीडर एक हज़ार का दे देता हूँ आप मुझे पैसे लगवाएं और आप लालच करेंगे तो फिर मरना तो आपने है ही से फिर आपको कोई बचा नहीं सकता इस फ्रॉड से खुद जाकर पेड़ लिया करें पैसे दिया करें ले लिया करें या किसी भी तरीके से किसी को भेज दिया करें उस शहर में अगर आपका कोई रिश्तेदार दोस्त रहता है वहाँ पर भेज के उसको पैसे दे, के, दोस दे कर दोस्त रिश्तेदार को कहा करें करके हमें कारगो करवा देकर और बाँचना बाच सकते हैं ये लोग हमारा फायदा उठाते हैं हमारी इसी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं और उनका ये कारोबार है काम है उनका वो डेली पता नहीं कितने बंदों को ये चूना लगाते हैं और फ्रॉड करते हैं तो दोस्तों पहली गलती हमारी अपनी होती है कि हम लालच अगर ना करें तो किसी भी किस्म का किसी भी शोबे हमारे साथ फ्रॉड नहीं होता जब हम लालच करते हैं कि यार इतना हाँ काम हमारा सस्ते में हो रहा है या कोई महंगी चीज़ हमें सस्ते में मिल रही है तो फिर हम मर जाते हैं फिर ये उनकी चांदी हो जाती है वो हमें दिल खोल के लूटते हैं और पता नहीं कितने लोगों को लूट रहे हैं तो बड़ा मुझे दुख हुआ उन भाई की बात के वो ये वीडियो देख भी रहे होंगे अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड कुछ हुआ है तो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता सकता है मैं उसके साथ भी हो सकता है वीडियो बना दूँ और कोशिश करूँगा कि अगर कोई मुझे व्हाट्सएप व्हाट्सअप रबा करेगा तो मैं उनका नंबर भी सैन शेयर नहीं कर सकता लेकिन व्हाट्सएप पर नंबर भी उनके आपको बता दूँगी जो फ्रॉडी हैं तो दोस्तों बचा करें इन फ्राडियों से किसी को एडवांस पेमेंट ना लगवाया करें किसी सूरत में पे एडवांस पेमेंट ना लगवाया करें जो मर्ज़ी हो जाए और जितनी मर्ज़ी कस्बे व्हाट्सएप उठा ले सब झूठ होता है किसी को एडवांस पेमेंट ना भेजा करें हमेशा जो है वो पैसे दें हाथ से चीज़ लें वरना किसी मार्केट में चले जाएँ कहीं और से लें जाए थोड़ी झलकी ले हैं लेकिन खुद हाथ में पैसे दे के बाय हैंड आप लें तो वो सबसे बेस्ट है तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल मनी को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमें कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि हम आपके कमेंट्स को पिक करके को अगर अच्छा कमेंट्स होगा वैलिड कमेंट होगा हो तो उस पर हम वीडियो भी ज़रूर बनाते हैं तो इन शाला मिलते हैं अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़